क्या आपको पता है दुनिया भर में कई ऐसे पेंटर हैं जो कि अपनी पेंटिंग के लिए काफ़ी मशहूर हैं। उनकी बनाई गई पेंटिंग खरीदने के लिए लोग लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी एक पेंटिंग इटली के चित्रकार जियोवानी ब्रोगलिन द्वारा बनाई गई थी। ब्रोगलिन ने द क्राइंग बॉय नाम की एक पेंटिंग 1950 के दशक में बनाई थी। इस पेंटिंग को इतना पसंद किया गया था कि उन्होंने इस पेंटिंग की पूरी एक सीरीज ही बना डाली थी। पेंटिंग में रोते हुए बच्चे को दर्द को देखकर लोग इसके मुरीद हो गए थे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन समय बीतने पर पेंटिंग को श्रापित माने जाने लगा। 1985 के आसपास यह खबर फैल गई कि इस पेंटिंग को लगाने से घर में आग लग जाती है। पहले तो इसे भ्रम समझा गया, लेकिन जब हादसे बढ़ने लगे तो लोगों ने इसका मान लिया कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने दावा किया था वह जिन घरों में आग बुझाने गए थे वहां यह पेंटिंग मौजूद थी। खास बात यह है कि पूरा घर जलकर राख हो जाता था, लेकिन पेंटिंग सही सलामत थी। देखते ही देखते यह खबर अखबारों की सुर्खियां बन गई। डर से लोगों ने इसे अपने घर में रखना ही बंद कर दिया। इसका खौफ इतना बढ़ गया था कि हेलोवीन फेस्टिवल के दौरान बोन फायर में लोगों ने बड़ी संख्या में इसकी कॉपीज जला दी थी। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इसकी कॉपीज जलाने के बाद हादसों में कमी आने लगी। लोगों का मानना था कि पेंटिंग में रोते हुए बच्चे के अंदर चेहरे में कोई बुरी शक्ति रहती है जो घर में रहने वाले लोगों को परेशान करती है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उन्होंने पेंटिंग के अंदर रोते हुए बच्चे का असली चेहरा देखा है। इस पर कई टीवी सीरियल भी बन चुके हैं और दुनिया भर में इस पेंटिंग को सबसे श्रापित पेंटिंग माना जाता है।